अब बात करते हैं ज्ञान वापी मस्जिद की, जिसे लेकर मुस्लिम पक्ष में कहीं ना कहीं शंका है कि ये केस भी धीरे धीरे अयोध्या मामले की तरह आगे बढ़ रहा है। उन्हें इस बात की फिक्र है कि अदालत में चल रहे ज्ञान वापी मामले का अंत भी अयोध्या की तरह होगा और इस मस्जिद से भी उनका हक छिन जाएगा। तो आज हम उनकी इस फिक्र को दूर करने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिससे उन्हें अयोध्या और काशी के जो सर्वे पर कुछ अंतर समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले ज्ञान वापी पर देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला बताते हैं। सर्वोच्च अदालत ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा और सर्वे को जारी रखने का आदेश देते हुए कहा है कि ध्यान दीजिएगा, हम हाईकोर्ट के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हाईकोर्ट ने कई सेफगार्ड बरते हैं, एएसआई सर्वे का अपना महत्व है, वो मुख्य मामले पर साक्ष्य के तौर पर रहेगा और जैसा कि आश्वासन दिया गया है कि मस्जिद में खुदाई ना हो तो उसे निभाना होगा। वजू खाने को छोड़कर बाकी हिस्से का सर्वे होगा। कोर्ट ने इसके साथ ही यह भी कहा कि एएसआई की रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में पूर्व के आदेश के मुताबिक ही दाखिल की जाएगी। यह फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष ने जानकारी दी कि सर्वे का यह काम 15 से 20 दिन में पूरा हो जाएगा। हालांकि यह रिपोर्ट फाइनल नहीं होगी और इस सर्वे में मुस्लिम पक्ष भी कल से शामिल होगा। सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो ये फाइनल या कंक्लूसिव नहीं है। अंजुमन इंतजामिया या जिसके खिलाफ वो रिपोर्ट आएगी उसको ये चांस मिलेगा कि वो एक्सपर्ट्स को क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, अपने ऑब्जेक्शंस दे सकता है और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी, ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी डिसाइड करेगी कि क्या ये एक्सपर्ट ओपिनियन मानी जाए, एविडेंस के रूप में लिया जाए कि नहीं लिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्वे 15-20 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, पर ये सिर्फ एक टेंटेटिव गेस है मेरा। मैं ये कहता हूँ कि आज ज्ञानवापी है, कल फिर ईदगाह होगी, परसों बदायूं की जामा मस्जिद होगी, उसके बाद बरेली की जामा मस्जिद। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि सर्वे हो जाने दीजिए और रिपोर्ट बंद लिफाफे में जमा होने दीजिए। अब यह बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। पिछली बार आपको याद है क्या क्या हुआ था? रिपोर्ट बंद लिफाफे में बहुत जरूरी है, वरना कई सारी चीजें उड़ती रहती हैं। सुप्रीम फैसला आने से पहले सर्वे पर रोक के लिए मुस्लिम पक्ष की ओर से आज एक और दलील दी गई। मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला उठाया, संसद का हवाला दिया, कहा कि सदन ने विभिन्न समुदायों से वादा किया है कि उनके धार्मिक स्थल नहीं बदले जाएंगे और ज्ञान वापी में एएसआई सर्वे को मंजूरी मिली तो देश भर में ऐसा ही होगा। इस पर कोर्ट ने उन्हें फटकार में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने ये पॉइंट हाईकोर्ट में क्यों नहीं उठाया, साक्ष्य आएंगे तो आपके ही मामले में यह काम आएगा। इसके बाद कोर्ट ने अयोध्या केस का जिक्र किया। सीजीआई ने कहा कि आप हमारा अयोध्या वाला फैसला देखें, सर्वे का महत्व है जो साक्ष्य के लिए और राम मंदिर मामले में उस पर चर्चा हुई थी, ऐसे में ज्ञान वापी मामले में भी अदालत को एएसआई रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेने में आसानी होगी। ज्ञान वापी केस में अयोध्या का जिक्र क्यों हुआ, तब एएसआई सर्वे में क्या क्या पता चला जिसे साक्ष्य की तरह माना गया था, इसकी चर्चा थोड़ी देर में। लेकिन आज ज्ञान वापी की सुनवाई में कोर्ट में आगे क्या कुछ हुआ, कैसे मुस्लिम पक्ष को एक और मुद्दा उठाने पर कड़ी नसीहत मिली है, यह रिपोर्ट देखिए। सीजेआई ने कहा कि हम इमारत को लेकर सेफ गार्ड देंगे। इस पर एसजी तुषार मेहता ने जवाब दिया कि सर्वे का काम बिना इमारत को नुकसान पहुंचाए होगा, एक्सपर्ट जीपीआर सर्वे करेंगे, वीडियोग्राफी होगी, किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं होगी। इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने ऑब्जेक्शन किया और कहा कि अगर अब कोई आता है और ये कहते हुए तुच्छ याचिका दायर करता है कि इस संरचना के नीचे एक स्मारक है तो क्या आप एएसआई सर्वेक्षण का आदेश देंगे। इस पर सीजेआई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जो आपके लिए तुच्छ है वो दूसरे पक्ष के लिए विश्वास है। ये सर्वे सिर्फ एक दस्तावेज नहीं होगा बल्कि दोनों पक्ष के लिए अहम सबूत होगा। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एएसआई सर्वे को अहम बताते हुए अयोध्या केस का भी जिक्र किया। उस समय यानी 5 मार्च 2003 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जगह पर एएसआई से खुदाई करके साक्ष्य इकट्ठा करने को कहा था। एएसआई ने तब फाइनल रिपोर्ट हाई कोर्ट में सौंपी थी और साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका जिक्र फैसला पढ़ने के दौरान किया था। तब सर्वोच्च अदालत ने एएसआई की रिपोर्ट को आधार मानते हुए कहा था कि
खुदाई से निकले सबूतों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। एएसआई ने अयोध्या में 12वीं सदी का मंदिर बताया था। खुदाई के दौरान नीचे मिला ढांचा और कलाकृतियां इस्लामी शैली की नहीं थी। ज्ञानवापी का मामला देखें तो पिछले साल हुए सर्वे कमीशन के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से दावा यही किया गया था कि यहां एक तहखाने में मगरमच्छ का शिल्प, कमल और स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं, त्रिशूल के निशान भी हैं, जो मंदिर होने का सबूत है। और यही सच पता लगाने के लिए एएसआई इस बार ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करेगी। हालांकि अयोध्या मामले के उलट इस बार उसे खुदाई ना करने के आदेश मिले। एक्सपर्ट जीपीआर सर्वे करेंगे, वीडियोग्राफी होगी, साइंटिफिक तरीके से पूरा सर्वे होगा। यह काम आज से शुरू भी हो चुका है।